एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, करके जाना है ना। थर्ड का फर्स्ट पढ़ना है आपको और थर्ड का सेकंड भी पढ़ना है, ठीक है ना। कंफर्म है ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये तो था ही और अभी मैंने देखा भी आया भी है। तो आपको फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड पढ़ के जाना है, ठीक ना। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन रिपीट आएगा, चलिए इसको करते हैं, ठीक है ना। यू हैव गिवन टू इक्वेशन 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 24। तो इनको सॉल्व कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m और m का मान ज्ञात कीजिए इफ यू हैव द इक्वेशन y = mx + 3, ठीक है ना। तो पहले हम इनको इक्वेशन को सॉल्व कर लें जिससे y और x की वैल्यू रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 3y = 11 इक्वेशन हम पहला लेंगे, वहीं 2x - 4y = -24 इसको इक्वेशन हम सेकंड लेंगे। इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करेंगे, बट ये इक्वेशन 3.2 का है, एक्सरसाइज 3.2 का, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण एक से, प्यार से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखें समीकरण एक से, तो यहाँ लिखिए 2x + 3y = 11। फिर इसमें एक वैल्यू उधर ले चलिए, y को उधर ले चलेंगे -3y, तो x = हो जाएगी 11 - 3y। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ जरूर लेना है आपको। इक्वेशन थर्ड, ये जो 2 था ना डिवाइड पे आ जाएगा, ध्यान रखना हमें सिर्फ अकेले x की वैल्यू चाहिए थी, 2 नीचे आ गया, ठीक ना, इनटू में था डिवाइड पे आया। अब इसी x को यहाँ पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि अभी आपने उठाया था फर्स्ट तो बना थर्ड, तो अब हम फर्स्ट को यूज कर चुके हैं तो सेकंड पे करेंगे। लिखिए समीकरण 2 में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो पहले आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये लिख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जहां पे x है वहां पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखना है। 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये जितना भी वैल्यू है 11 - 3y / 2, ब्रैकेट क्लोज, -4y = -24। फिर इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, क्या होता है जब डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर में कोई वैल्यू कटे ना तो काट देना है, 2 कट गया, अदरवाइज नहीं करता तो इसको प्रोसीजर दूसरे है। तो शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है सॉल्व, तो हम काहे के लिए इतना ज़्यादा लंबा इसको खींचेंगे, ठीक है। तो कट गया, तो बचा क्या, 11 - 3y - 4y = -24। देन इसके बाद y को रखिए, ठीक है, y को आप रख लो ये ऐसे, -24, 11 उधर चला गया तो -11, सेम सिंबल ऐड, तो 7y = कितना हुआ, 5 और 2 1 3, ठीक है। देन y = माइनस, ये माइनस था नीचे आ गया कट गया, तो माइनस माइनस कटा और 7 5 जा, ये y की वैल्यू आ गई। जैसे ही y की वैल्यू पुट हो जाए, निकल आए, फाइंड हो जाए, पुट ना होकर के फाइंड हो, तो y के मान को क्या रखना है, 1 2 3 में से कहीं भी रख दो, आंसर आएगा। कोशिश करना होगा तो चेक कर लेना, बट सबसे पहले अगर कहीं आएगा तो सबसे पहले थर्ड पे आएगा, तो हम यहीं पे रखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन थर्ड, ठीक ना। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जो भी आप देख रहे हो इंग्लिश हिंदी मीडियम, अपने अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आप कैरी कर लें। चलिए, तो x = लिखेंगे 11 - 3 * y की वैल्यू कितनी आई है, 5/2, ठीक है। अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट करना है, तो 5 और 3 का प्रोडक्ट करिए, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो x = 11 लिखिए प्यार से और 3 5 = 15/2। बोर्ड मास नियम का पालन हमेशा करना है मैथ में, ठीक ना। तो प्रोडक्ट और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन माइनस था, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x = इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आया, 4/2, और डिवाइड हुआ तो कितना आया, -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू आ चुकी है। जब इतना हो जाए ना तब आपको इसका यूज करना है। अब क्या करेंगे, y = लिखिए, mx + 3 लिखिए प्यार से। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 5, ये m, और x की वैल्यू कितनी है, -2, तो आप रखो +3। ब्रैकेट क्यों लगा, रीजन बता देता हूँ क्या है, x की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में होने के कारण इसको ब्रैकेट में रखा गया है, अब इंटू करना है, ठीक है। अब देखिए ±-2 और m हो गया +3। देन अब क्या करिए, m को इधर लाइए, तो m क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2m = 3, और ये उधर चला गया, ये आ गया, ओके। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आया 2m =
माइनस टू, क्योंकि 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा, और बड़ा अंक जो है वो 5 है, ठीक ना, बिग डिजिट, और इसके सामने साइन माइनस का है। देन एम इज इक्वल माइनस टू अपॉन टू, तो एम इज इक्वल कितना हुआ, माइनस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो याद करना है, कंफर्म बननी चाहिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, 3 का फर्स्ट मैनी टाइम एग्जाम में आया, बहुत ईजी है, और सेकंड तो आता ही है, ये दोनों क्वेश्चन लगाना है, नहीं बनता है आप कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं बताऊंगा आपको, है ना।